नमस्कार दोस्तों, रामान एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा जो विषय है वो है मोती पर अगला एपिसोड। बहुत सारे मैंने आपको मोतीज दिखाए हैं, लेकिन आज एक मैं आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मोती दिखाने जा रहा हूं, जिससे हम मैंने अभी तक तो शायद आपको नहीं दिखाया होगा। साउथ सी के मोती आपने बहुत देखे हैं, मैं आज आपको बसरा का मोती दिखाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल राउंड, बिल्कुल गोल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूं। देखिए, बसरा का मोती बहुत ही कम मिलता है। हाँ, जिनके पास है रेट बहुत हाई है। रिजल्ट्स तो मैं बोलूंगा कि क्या बात है, रिजल्ट्स की तो बात पे चलेंगे तो आप समझ के चलिएगा कि अनबिलीवेबल रिजल्ट्स इसके हैं। देखिए, तीन ही क्वालिटीज के मोती हमें अवेलेबल होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। कल्चर्ड मोती तो आप बेशक जितने मर्जी ले लीजिए, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। हैदराबादी मोती, साउथ सी का और बसरा का, ये तीन मोती ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज किए जाते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, बहुत सारे एपिसोड में मैंने आपको बताया है, लेकिन जो बसरा का है इसके तो फायदे ही अलग है। अगर आपका काम ना चल रहा हो, काम रुक गया हो, चलते चलते अगर आपका काम बहुत ही स्लो स्पीड में आ चुका है, मोस्टली क्या होता है कि अगर कई बार हमें लगता है कि जो हम रेशो जो ग्राफ के ऊपर जाना चाह रहे हैं उस ग्राफ तक कैसे पहुंचेंगे, तो दोस्तों यही है आपके लिए रामबाण। सोचिए मत, अभी इसी वक्त इसे धारण करें और रिजल्ट्स आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और इसके क्या क्या फायदे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेमोरी आपकी शार्प कर देगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और एक अच्छी सिस्टम की तरफ मतलब आप चलना शुरू हो जाएंगे। आपका फ्यूचर ब्राइट करने में तो यह सबसे ज्यादा सक्षम माना गया है। मोती चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है। बोलते हैं मन चंगा तो पनौती में गंगा। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, अगर आपका मन अच्छा है तो सारी चीजें आपके पास है, वरना तो सोने हीरे जवाहरात आपके सामने रख दिए जाए। अगर मन ही अच्छा नहीं है तो उन सब चीजों को क्या फायदा। अब ये हेल्थ में क्या क्या आपको फायदे दिलाएगा, देखिए इसमें तीन चार फायदे बहुत ही मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। चंद्रमा, अगर आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण करते हैं तो आपकी ब्यूटी निखर के आती है। सेकेंडली, आपकी स्किन ग्लो करनी शुरू कर देती है। और थर्ड, आप निरोगी काया की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आपको खराब कर रही हो, अच्छे रिजल्ट्स ना दे रही हो, तो मैं बोलता हूं मोती धारण कर लीजिए। चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन हो, चंद्र केतु, चंद्र राहु, डेफिनेटली आप इसे धारण करें। लोग डर जाते हैं, लोग बोलते हैं चंद्रमा केतु है तो पता नहीं केतु ही चंद्रमा के ऊपर अपना प्रभाव ज्यादा डालेगा, चंद्र शनि है तो कहीं शनि ही कैप्चर ना कर ले। तो मेरे को एक चीज बताइए, अगर दो योद्धा लड़ रहे हैं, दो फाइटर लड़ रहे हैं, एक ही बॉक्स के अंदर दो प्लेनेट हैं, अगर एक का जो बल है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो कम है, तो आप उसे और डराएंगे या उसे आप स्ट्रेंथ देंगे किसी तरह से। लोग इसका उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं एक और चीज यहां पे क्लियर कर दूं, चंद्रमा जैसे मैंने बताया है हमारी बॉडी के अंदर 80% पानी है, ब्लड बोल दीजिए, पानी बोल दीजिए, तो एक तो आपके ब्लड को पतला करता है मोती, सेकेंडली ब्लड प्रेशर हो, शॉर्ट टेम्पर नहीं होने देगा, चिड़चिड़ापन। कई बार हमने देखा है ऐसे बच्चे, ऐसे बंदे होते हैं जिनका स्वभाव बहुत जोली होता है, बहुत अच्छा होता है, सडनली चंद्रमा की महादशा अंतरदशा लग गई, जब कुछ ऐसी चीज बन गई तो उनका स्वभाव नेचर में फर्क आ जाता है। छोटी छोटी बात को लेके चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात को लेके वो गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, उनको तो ये भी नहीं पता लगता कि बड़े हैं, हमारे सामने खड़े हैं या कौन खड़ा है, वो अपनी जो उनके मन में आता है बोल देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी चीजें आपके साथ अगर हो रही हैं, जहां आप चाइनीज आपने मोती पहना हुआ है,
तो अभी उतार के उसे फेंकिए और पहनिए। ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देना चाह रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखिए। यह है बसरा का मोती, बहुत ही कम मिलता है, तो पहनिए। एक चीज और, अगर आप मेरे से पर्सनली आके ऑफिस में मिलना चाह रहे हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो नीचे स्क्रीन पे दोस्तों मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यू कैन कॉल मी। अगर आपको ये चैनल आपको पसंद आया है, अगर आप इस एपिसोड को पसंद करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपने किसी प्रकार के वहम भ्रम ज्योतिष के पाल रखे हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पूरी कोशिश है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और नए नए अपडेट्स आपको आते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।